हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग बनाएंगे चावल की मटरियां। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, किन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि सूजी मैंने ले ली है 2 मुट्ठी, 1 कटोरी मैंने ले लिया मैदा, 1.5 कटोरी ले लिया मैंने चावल का आटा, 1 टेबलस्पून मैंने अजवाइन ले लिया है, सॉल्ट ले लिया है स्वाद के अनुसार, और लगभग 5 टेबलस्पून ले लिया मैंने ऑयल रिफाइंड। गाइस, अब हम लोग मटरी का डो लगाएंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट हम लोग एक बड़े बाउल में ले लेंगे, जैसे कि मैदा, सूजी, अजवाइन, सॉल्ट, चावल का आटा, और डाल देंगे अपना ऑयल उसमें। लगभग 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है उसमें, और इसको अच्छे से हाथों से मसल मसल के गूंथना है, मतलब डो बनाना है उसका। और गाइस, हमको डो अपना थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। फिर गाइस, हम लोग पानी डाल के उसको हल्का हल्का गूंथते जाएंगे, डो बनाते जाएंगे उसका। गाइस, हमारा ऑलमोस्ट डो बन गया है और काफी सॉफ्ट रखा है मैंने, आप देख सकते हैं। गाइस, डो हमारा लग चुका है, अब इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। गाइस, अब हम लोग अपने बेलेंगे मटरियाँ। तो किस तरीके से बेलना है, हम लोग हल्का सा ऑयल लगाएंगे अपने रोटी बेलने वाले पे, और उसके बाद हम लोग एक पेड़ा तोड़ के उसको हल्का सा प्रेस करेंगे और गोल बना के उस पर उसको रोटी के तरीके से बेलेंगे। दोनों तरफ ऑयल अच्छे से लगा लेंगे सो दैट वो चिपके नहीं। फिर उसको हमको नॉर्मली बेलना है, जैसे हम रोटी बेलते हैं। उसके बाद गाइज, आप कोई भी टाइप का शेप से आप उसमें मटरी काट सकते हैं। मैंने राउंड शेप काटा है, आप कोई अपना मनचाहा शेप काट सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छे गोल हमारे शेप कट गया है, मटरी अच्छे बन के रेडी हो गए हैं। इसी तरीके से हम लोग अपने बाकी मटरी बनाएंगे। गाइस, मटरियाँ रेडी हो गई हैं, अब हमारा ऑयल भी लगभग हीटअप अच्छे से हो चुका है, तो उनको तल लेते हैं। तो गाइस, ऑयल ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हॉट होगा, अगर तो बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे, अंदर से कच्ची रह जाएंगे, तो आपको हल्का मीडियम रखना है। लगभग 2 मिनट तो आपको बहुत ही मीडियम पे ही सब अपने फ्राई करने हैं अपने मटरी। और मटरी के ऊपर आपको याद से चाकू से कट ज़रूर लगाना, जैसे मैं लगा रही हूँ, सो दैट इसमें एयर ना जाए, और मतलब एयर ना बने, जिससे वो पूड़ी की तरह फूलेगा नहीं। मटरी हमारी अच्छी बनेंगी और बहुत क्रिस्पी बनेंगी अगर हम लोग लो और मीडियम ऐसे चला के बनाएंगे तो। कभी हाई कीजिए, कभी लो कीजिए, इस तरीके से गैस रखेंगे तो हमारी बहुत क्रिस्पी बनेंगी। देखिए गाइस, मैंने लगभग 5 to 7 मिनट्स इनको फ्राई किया है और अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रही हैं। गाइस, हमारी मटरियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। मटरियाँ गाइस हमारी रेडी हैं।